वो वैसा लग रहा है लोगों को, क्योंकि आप एक पर्सपेक्टिव से देखोगे, पुणे के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सुमेरिया नहीं आ पाए क्योंकि वो वहां पे फंस गया, तो वो बात उस तरीके से देखी जा सकती है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ फंसे हुए हैं, इट्स अ चॉइस। मेनी मेनी पीपल चूज टू बी हियर बिकॉज दिस इज अ वेरी सेफ प्लेस। यहाँ पे हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है, देयर इज नो सच स्ट्रगल स्ट्रगल। किसी भी इंसान को जब तक वो बात उस एक्टर के मुंह से ना सुने या देखे तब तक बिलीव नहीं करनी चाहिए। और बीच में ये खबर आई कि आपकी जो पूरी टीम है वो, क्योंकि आप लोग उमरगांव में शूट करते हो, मुंबई से काफी दूर है, वहां पर पूरी टीम फंसी हुई है। उसपे एक तो कितनी आप लोग को वहां पर स्ट्रगल, क्या चीजें फेस करनी पड़ रही है, उसके बारे में जानना चाह रहा था। नहीं, ये फंसा हुआ जो टर्म है ना, दिस इज रॉन्ग आई थिंक सो, क्योंकि वो वैसा लग रहा है लोगों को। क्योंकि आप एक पर्सपेक्टिव से देखोगे, पुणे के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सुमेरिया नहीं आ पाए क्योंकि वो वहां पे फंस गया, तो वो बात उस तरीके से देखी जा सकती है। बट द थिंग इज दैट आई वाज ट्राइंग टू कम ऑन 23rd, 22nd से लॉकडाउन शुरू हो गया। आई थॉट दैट 4 दिन में थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ शांति से, देन आई विल गिव माई फैमिली सम गुड टाइम बिकॉज वर्किंग फॉर अ ईयर इट्स डिफिकल्ट। तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि आप फंसे हुए हैं, इट्स आर चॉइस। मैनी मैनी पीपल चूज टू बी हेयर बिकॉज दिस इज अ वेरी सेफ प्लेस, एंड माई फैमिली, मी, एवरीबडी हु लिव्स हियर, वी नो दैट देयर पीपल हु आर अस हु टेक केयर ऑफ अस। एज एन आर्टिस्ट आई फील प्राउड टू बी एन एक्टर हु वर्क्स इन स्वास्तिक प्रोडक्शन, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है, देयर इज नो सच स्ट्रगल स्ट्रगल। हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है, पीपल आर रियली काइंड टूवर्ड्स ईच अदर, whether it be any kind of help needed, everybody comes together to help them. That's actually happening and that's really good. हाँ, अगर मैं बोलूँगा कि मुझे पिज्ज़ा खाना है तो मैं स्ट्रगल करूँगा, बहुत रो नहीं मिलेगा, दैट्स समथिंग विच इज ऑब्वियसली देयर। और काफी फैंस का ये भी कहना था कि बीच में ये न्यूज आई कि लॉकडाउन के बाद राधा का रोल जो है वो खत्म होने वाला है, वो काफी परेशान है इस चीज को लेके, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब मुझे लगता है कि मैं 1-1.5 साल के बाद एक चीज तो समझ गया हूँ कि किसी भी इंसान को जब तक वो बात उस एक्टर के मुंह से ना सुने या देखे तब तक बिलीव नहीं करनी चाहिए। पर बाय द एंड ऑफ द डे हम तो ये, मैं तो इसे बोल सकता हूँ, फिर भी होना वही है जो होता है, लोग वही मानते हैं जो सुनने में आता है। अरे मैंने सुना उसके घर पे बंदूक है, तो मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, तो इट्स नॉट दैट वे। आई थिंक सो, आपको समझना होगा कि पब्लिक फिगर और सम वेरी क्लोज टू इट, इफ यू आर लिटिल फेमस, पीपल टॉक अबाउट यू, वॉट एवर इट इज, गुड बैड, दे डोंट नो हाउ इट विल अफेक्ट यू, दे डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू टेक इट और नॉट, द रूमर्स और एनीथिंग, बट देन दे टॉक अबाउट इट एंड दैट्स वॉट दे डू। बिकॉज होता है कोई फेमस टॉपिक बन जाता है तो बात करते रहते लोग, एंड इट्स एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट पीपल विल टॉक अबाउट यू एंड यू हैव टू गेट थ्रू इट एंड बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन योर पीपल शुड बिलीव इन यू एंड एवरीथिंग इज फाइन। ऑल्सो जस्ट अ सेकेंड, स्टेबिन बेन, अ फ्रेंड ऑफ माइंड, आपको पता है स्टेबिन इज अ वेरी वेरी ग्रेट सिंगर, राइट नाउ ही इज ऑन टॉप ऑफ चार्ट्स एवरीवेयर यू गो, सावन हो, एप्पल म्यूजिक हो, एनी वेयर, हम, ही इज ऑन द टॉप। आई रिमेम्बर द डेज व्हेन वी वर जस्ट स्टार्टिंग, मी एज एन एक्टर, एंड ही डिड समथिंग, सम वीडियोस एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज ऑलवेज गुड इन इट। तो मैं जाता था कि थोड़ा सिंगिंग सिखा दो, ही यूज्ड टू से लाइक मुझे एक्टिंग सिखा दो, हम बैठ के एक दूसरे से बातें करते रहते थे, यूज्ड टू टीच मी सिंगिंग व्हिच आई लर्नड 0.1% और समथिंग, बट यस आई ऑलवेज हैव दैट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, लव यू स्टेबन, हमेशा ऐसी नए नए कॉन्सर्ट्स करते रहो, बड़े बन जाओ और कभी भूलो मत छोटे लोगों को।